हाय एवरीवन, आई एम संकल्प भाटिया। मैं वैसे तो लखनऊ से हूँ, लेकिन मेरी जॉब पोस्टिंग भारत के सबसे उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश से है। एंड द रीज़न व्हाई आई एम वेयरिंग दीज शादी क्लोथ्स इज बिकॉज मेरा अभी अभी हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ है डॉक्टर अशोक सिन्हा की एडॉन हेयर क्लिनिक बॉम्बे में। मैं आपको अपने हेयर लॉस जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। 2014 में जब मेरा पहली बार हेयर लॉस हुआ, मैं कतार में रहता था, क़तर एयरवेज़ में काम करता था और गल्फ़ में मेरी पोस्टिंग थी। उसके बाद से हेयर लॉस ने रुकने का नाम ही नहीं लिया था। मैंने हर किस्म की थेरेपी ट्राई करी, नेचुरल थेरेपी, आयुर्वेदा, दादी थेरेपी, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ भी नहीं रुका। फिर इवेंचुअली थक हार के, जो आपने मूवीज़ में देखा है ना, ठीक वैसा ही सब कुछ, और ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने अपने सर पे लगाई हैं कि मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता हूँ। उसके बाद 2018 में फाइनली मुझे लगा कि शायद हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा। मैंने कराया, फिर भी मैं उस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं था। इसीलिए उसी लखनऊ के रिनाउ क्लिनिक से, जहाँ मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, वहीं पर मैंने अपनी करेक्टिव सर्जरी कराई फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद भी वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा था जो मुझे चाहिए था। दोस्त हंसते थे, लोग कमेंट्स करते थे बालों पे, और इतना अजीब दिखते थे मेरे बाल ट्रांसप्लांट के बाद कि मुझे लगने लगा था मे बी देयर इज एब्सोल्युटली नो वे आउट। फिर 2019 में यूट्यूब को ब्राउज करते टाइम एक बार रात के 11:30-12 बजे मुझे एडॉन हेयर का चैनल देखा, जिसमें डॉक्टर अशोक सिन्हा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मुझे लगा शायद ये काम करेगा। उनसे मैंने व्हाट्सएप पर पर्सनली कनेक्ट किया और यकीन माने, उन्होंने मुझे सारी कंसल्टेशन ऑनलाइन फ्री में अपना इतना महत्वपूर्ण टाइम, इतना कीमती टाइम देकर दी। उन्होंने मुझे मेरे डाइजेस्टिव इश्यूज ठीक करने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि मैं कैसे अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस ला करके अपने बालों की नहीं, ओवरऑल हेल्थ पे भी काम कर सकता हूँ। इवेंचुअली कुछ फ़ायदा तो हुआ। एडोनसिडल लगाई मैंने, रोडेंस लगाई, फ़ायदे दिखे, लेकिन जो मुझे रिजल्ट चाहिए था वैसा तो नहीं आया बॉस। फाइनली अब मैं अरुणाचल से फ्लाई करके 2022 में बॉम्बे आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अशोक सिन्हा के गाइडेंस के अंडर हेयर ट्रांसप्लांट कराने। पिछले 2 दिन से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट चला है, कुछ 15 घंटे की सर्जरी थी, और आप यकीन माने यहाँ का स्टाफ इज़ वेरी फ्रेंडली। उन्होंने मुझे एक बार भी अनकम्फर्टेबल नहीं होने दिया, बीट डॉक्टर अशोक हिमसेल्फ और डॉक्टर सत्यजीत। डॉक्टर सत्यजीत इज़ सच अ चार्मर। He's always stood by my side throughout। इतनी सारी हम लोगों ने बातें करी कि मुझे एक बार भी सर्जरी का स्ट्रेस फील नहीं हुआ। थोड़ा बहुत दर्द ज़रूर हुआ, वो भी एनेस्थीसिया का इफेक्ट वियर ऑफ होने के बाद। So I am done with my hair transplant now. I hope the results will be outstanding. डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मैं थोड़ा सा गिफ्टेड हूँ, क्योंकि मेरा डोनर एरिया काफ़ी अच्छा है। होपफुली मैं आपके साथ अपना रिजल्ट शेयर कर पाऊँगा, एंड विश मी लक। Thank you.